हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली ये बहुत ही शानदार आइसक्रीम की रेसिपी। तो आइए अब बिना कोई देर किए ये सुपर टेस्टी आइसक्रीम की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर दूध। आप दूध कोई सा भी ले सकते हैं, गर्म किया हुआ, बिना गर्म किया हुआ कोई भी चलेगा, बट दूध गाढ़ा होना चाहिए। इसी दूध में से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध निकाल लिया है, बचा लिया है। इस दूध के अंदर हमें कुछ चीज़ें डालना है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिए हैं थोड़े से केसर के तार, इसे पानी में भिगो कर रखा हुआ है। अब इस दूध के अंदर जो हमने कटोरी में अलग से निकाला है उसके अंदर हम डालेंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स। ये 2 चम्मच हम डालेंगे काजू का पाउडर, मैंने काजू को बिल्कुल बारीक पीस लिया है, और 2 चम्मच काजू का पाउडर डालेंगे। ये सिर्फ टेस्ट के लिए है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, अगर है तो आप ज़रूर डालें। 2 चम्मच मिल्क पाउडर, ये हम जो खाना खाते हैं उसे थोड़ी बड़ी वाली चम्मच है। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब हम सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इस टाइम पर इसमें सिर्फ काजू पाउडर, कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर डाला है। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि इसके अंदर सारी गुठलियाँ ख़त्म ना हो जाए। ये देखिए, मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और दूध को भी गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए, हमारा दूध थोड़ा सा गर्म हो चुका है और इसी स्टेज पर हम इसके अंदर डाल देंगे ये मिक्स जो अभी हमने रेडी किया है। अब हम एक बार इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ ही अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये भिगोए हुए केसर के तार, इससे कि हमारे दूध का कलर जो है वो काफ़ी अच्छा आ जाएगा। अब हमें दूध को अच्छे से बॉईल होने देना है और तब तक बॉईल होने देना है जब तक कि हमारा दूध 1 लीटर से आधा लीटर ना हो जाए। इसे कंटिन्यू हिलाते हुए रहना है क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वगैरह डाला हुआ है। ये देखिए, हमारा दूध 1 लीटर से लगभग आधा लीटर के करीब हो चुका है, काफ़ी गाढ़ा हो गया हमारा दूध, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। ये 8 चम्मच शुगर ली है मैंने, आप शुगर कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस स्टेज पर आप इसे टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन 1 लीटर दूध के लिए यह 8 चम्मच शुगर बिल्कुल परफेक्ट है। शक्कर डालने के बाद हमें इसे लगभग 5 मिनट और हाई फ्लेम पर बॉईल करना है। ये देखिए हमारा दूध, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने देंगे। ये देखिए, हमारा दूध जो है रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, आप देख सकते हैं हमारा दूध ठंडा होने के बाद पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम इस दूध को मिक्सर जार में डालकर लगभग 1 मिनट के लिए चला लेंगे, इससे कि हमारी आइसक्रीम जो है काफ़ी सॉफ्ट बनेगी और हमारा दूध काफ़ी फ्लफी हो जाएगा। ये देखिए, हम सारा दूध एक साथ मिक्सर जार में डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए चला लेंगे। इससे हमारी आइसक्रीम काफ़ी स्मूथ बनेगी। ये देखिए, मैंने दूध को एक बार 1 मिनट के लिए चला लिया है, आप देख सकते हैं हमारे बेस में काफ़ी झाग दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर इस तरह की पेपर डिस्पोज़ल ली है, ये बड़ी साइज़ की पेपर डिस्पोज़ल है, इससे छोटी साइज़ की डिस्पोज़ल भी आती है। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा बेस इस कटोरी के अंदर डाल देंगे। हम 3 तरह की आइसक्रीम बनाएंगे यहाँ पर। अब हम इस कटोरी के अंदर डालेंगे 1 चम्मच कोको पाउडर, यह हम चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम बना रहे हैं इसलिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने बेस को 3 कटोरियों में बराबर हिस्सों में बांट लिया है। 1 कटोरी वो है जिसके अंदर अभी हमने कोको पाउडर डाला था 1 फ्लेवर, और दूसरा मैंने यहाँ पर लिया है 1 बड़ी इलायची का पाउडर जो हम चाय में डालते हैं, वही 1 फ्लेवर उसका देंगे।
और एक कटोरी में मैंने डाला है ये ऑरेंज फूड कलर। हम यहाँ तीन फ्लेवर की आइसक्रीम बना रहे हैं, इसलिए अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही जमा सकते हैं डिस्पोजल में डालकर, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे, ये आपकी चॉइस है अगर आप ना करना चाहें तो। हमने इन तीनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक पेपर डिस्पोजल लेंगे और उसके अंदर डालेंगे कुल्फी बेस। मैंने इस डिस्पोजल के अंदर थोड़ा सा कुल्फी बेस डालकर देखा था, इसलिए थोड़ा सा मेसी हो रहा है। एक कटोरी से दो डिस्पोजल, दो आइसक्रीम बन जाएगी हमारी एक फ्लेवर की। उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चोको चिप्स, ये होममेड चोको चिप्स है, ये मैंने घर पर बनाई है। ये देखिए इस तरह से हमें थोड़ी सी चोको चिप्स इसके ऊपर डाल देनी है, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी फर्स्ट फ्लेवर वाली आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है, चॉकलेट आइसक्रीम। अब हम सेकंड आइसक्रीम जमाएंगे ऑरेंज फूड कलर वाली, इसे भी हम पेपर डिस्पोजल के अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। अब इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब थर्ड एंड लास्ट आइसक्रीम जमाएंगे हम इलायची फ्लेवर वाली, इसे भी हम पेपर डिस्पोजल के अंदर डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम डेकोरेशन के लिए डालेंगे ये सिल्वर कलर के मोती। ये केक डेकोरेशन के आइटम होते हैं, इजीली मिल जाते हैं। अब बाकी बचे हुए बेस से तीन आइसक्रीम और बन जाएगी। ये देखिए मैंने सारी तरह की आइसक्रीम पेपर डिस्पोजल के अंदर जमा ली है और हर फ्लेवर की आइसक्रीम दो दो बनी है। अब हम इसे रात भर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमने अगले दिन इन आइसक्रीम को निकाला है, आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इन आइसक्रीम को सर्व करने से पहले ऊपर से थोड़ा सा और डाल देंगे टूटी फ्रूटी, चोको चिप्स और सिल्वर मोती, इससे कि ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है डेकोरेशन वाली, क्योंकि हमने इसके अंदर भी चोको चिप्स, टूटी फ्रूटी और सिल्वर मोती डाल दिए हैं, लेकिन वो इसके अंदर मेल्ट हो गए हैं, अंदर चले गए हैं, इसलिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा और डाला है। प्लीज़ आप मेरी इस आइसक्रीम की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको एक बार सारी आइसक्रीम निकाल कर भी बताती हूँ कि हमारी आइसक्रीम जो है वो कैसी जमी है। ये देखिए वाओ, हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छी जमकर रेडी हुई है और ये आइसक्रीम खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। अब मैं आपको दूसरे फ्लेवर वाली आइसक्रीम निकाल कर बताती हूँ, ऑरेंज फूड कलर वाली। ये देखिए ये भी बहुत अच्छी लग रही है। तीनों ही फ्लेवर की आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी लगती है, आप जो चाहे वो फ्लेवर बना सकते हैं। और ये चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम, ये तो ऑलमोस्ट सभी की फेवरेट होती है। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।